हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम गाइस। सो जे एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही और जिया जो होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि रूही के जो पापा होते हैं वो जी मान जाते हैं ना इन दोनों के रिश्ते को लेके। तो इसी खुशी में जी ये बाहर डिनर के जाते हैं ना, तो जिया और रूही जो होते हैं ना वो मतलब काफ़ी खुश होते हैं इस बात को लेके। लेकिन 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 कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। तो इनका जो फ्रेंड होता है सिद्धार्थ, वो जी रूही के पास कॉल करता है कि रूही जिया को लेकर के मतलब किसी लोकेशन पे बुला लेता है और वहाँ पे कर देता है जी जिया को प्रपोज। तो जिया और रूही को जा जाता है गुस्सा और वो जी अपने रिश्ते की सच्चाई बता देते हैं सिद्धार्थ को। और जो सिद्धार्थ होता है वो जी इन दोनों के रिश्ते से कुछ अच्छा कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि उसे तो बस ये दिखता है कि जिया ने मेरा प्यार टुकड़ा दिया, वो ऐसे ही कैसे कर सकती है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और इसने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करा। तो उसे थार जो होता है वो इस बात को अपने ईगो पे ले जाता है और वो बस ये सोचता है कि अब मुझे जिया से बदला लेना है और मैं ये कैसे बदला लूँगा, और वो उस चीज़ की प्लानिंग करने लग जाता है। और जो जिया और रूही होते हैं वो जी इस बात से परेशान होते हैं कि यार वो हमारा दोस्त था और हमने उसी का दिल तोड़ दिया। लेकिन उस रात को जिया और रूही होते हैं ना वो इस बारे में बात नहीं करते हैं और अपने अपने घर जाके नॉर्मली ना सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे में रूही जो होती है वो जिया के पास ना सुबह सुबह कॉल करती है, और जिया जो होती है वो उस वक्त अपना वर्कआउट वगैरह कर रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जिया जब फ़ोन देखती है तो वो रूही के पास कॉल बैक करती है। तो रूही कहती है कि क्या अभी तक सो रही थी क्या तुम? तो जिया कहती है नहीं, मैं सो नहीं रही थी बल्कि वर्कआउट कर रही थी। यार मेरे को तो इस बात की हैरानी है, तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गई, तुम तो लेट उठती हो ना। तो रूही कहती है ओ हेलो, तुमसे जल्दी उठ जाती हूँ मैं। तो जिया कहती है हाँ पता है मुझे कितना जल्दी उठती हो ना तुम, मैं जॉगिंग करके आ भी जाती हूँ और यहाँ तक कि मेरी आधी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, लेकिन तुम महारानी नहीं उठती हो और आज तुम इतनी जल्दी उठ गई हो, यकीन ही नहीं हो रहा, रात को सोई नहीं थी क्या? बताओ बताओ क्यों नहीं सोई थी? तो रूही कहती है कि अरे नहीं मैं रात को सोई थी, वो तो बस जल्दी आँख खुल गई, वो जल्दी आँख खुल गई तो सोचा थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिता लूँ, लेकिन तुम्हें तो पसंद ही नहीं है ना तो मैं जा रही हूँ। तो जिया कहती है अरे 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 ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तो रूही कहती है ऐसे ही होता है। तो जिया कहती है ऐसे नहीं होता, अच्छा 2 मिनट रुको मुझे ना ये ब्लूटूथ लगा लेने दो। तो रूही कहती है कि ब्लूटूथ क्यों? अगर कान पे फ़ोन पकड़ने में तुम्हें जोर आ रहा है तो मैं फ़ोन रख देती हूँ। तो जिया कहती है हे ना टक कहीं की, कान पे फ़ोन पकड़ने में जोर नहीं आ रहा, वो एनर्जी ड्रिंक बना रही थी यार, प्रॉब्लम हो जाएगी है ना, समझा करो, तुम समझती नहीं हो। तो रूही कहती है तो फिर तुम अपनी एनर्जी ड्रिंक वगैरह बना लो और फ्री हो जाओ, उसके बाद बात कर लेंगे। तो रूही वो जिया कहती है कि नहीं अभी बात करेंगे ना, तुमने अभी फ़ोन किया तो हम अभी बात करेंगे, ओके आई समझ में तुम्हारे? तो रूही कहती है हाँ ठीक है आ गई समझ में। तो जिया जो होती है फिर ब्लूटूथ वगैरह लगा लेती है और उसके बाद जब अपनी एनर्जी ड्रिंक को एंजॉय कर रही होती है रूही से बात करते करते, मींस कि घूमते 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 घूमते। तो ये दोनों जी आपस में अपनी क्यूट क्यूटनेस वाली बातें कर रहे होते हैं। तो इतने में जी जिया के जो पापा हैं वो जिया को आवाज़ लगाते हैं ना, तो जिया कहते हैं हाँ पापा बस अभी आई। तो रूही कहती है कि हाँ एक काम करो, तुम जाओ अंकल के पास और मैं भी नहा धो लेती हूँ ना। तो जिया कहती है कि ओ हेलो फ़ोन पर रहो तुम, ठीक है ना, चलो मेरे साथ। तो रूही कहती है अरे बात तो तुमसे करनी है ना, तो मैं क्यों रूम कॉल पर, मैं तो फोन कट करके जा रही हूँ। तो जिया कहती है कोई नहीं जा रही हूँ, चुपचाप चुपचाप। तो जिया जो होती है फिर अपने पापा के रूम में चली जाती है और उसके जो पापा होते हैं वो जी उसे ना कुछ प्रोजेक्ट की फाइल दे रहे होते हैं जिसके ऊपर वो काम कर रही थी और जो उसका पहला टेंडर होता है। तो जिया कहती पापा इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ तैयार कर लिया है, इनफैक्ट मैंने आपको मेल के ऊपर प्रेजेंटेशन भेज भी रखा है, आई थिंक आपने चेक नहीं किया। तो
जिया के पापा बोलते हैं, हाँ एक्चुअली मैंने मेरी मेल ऑन नहीं करी, सॉरी बेटा मैंने देखा नहीं होगा ना, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। और ये जो फाइल्स वगैरह हैं मुझे लगा तुम्हारे पास नहीं है। तो जिया कहती, नहीं मैंने इन सब की कॉपी कर ली थी एंड ये सब कुछ मेरी ऑफिस मतलब मेरे कैबिन में रखा हुआ है। तो जिया के जो पापा होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह मतलब इस बार पहला प्रोजेक्ट तुम खुद अपने हाथों से लेके आओगी, मीन्स कि अपनी मेहनत से लेके आओगी। तो जिया कहती है, ऑफ कोर्स अब आपकी बच्ची हूँ, इतना टैलेंट तो होगा ही ना मुझ में। तो जिया के पापा काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे ना गले लगा लेते हैं और कहते हैं, वाह पता है बेटा मुझे जान के ना बहुत खुशी हो रही है कि अब तुम जिम्मेदार हो गए ना, अब तुम इस बिजनेस को संभाल सकती हो, इस एम्पायर को संभाल सकती हो, इन सब के काबिल बन चुकी हो ना तुम, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो जिया कहती है कि अरे पापा इन सब में मेरा अकेले का हाथ थोड़ी ना है, आप सब ने मेहनत करी है ना मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। तो जिया के पापा बोलते हैं, नहीं बेटा अगर इंसान खुद ना पहुँचना चाहे ना तो वो कुछ नहीं कर सकता, आई तुम्हारी समझ में। तो जिया कहती है, आ गई, खैर पापा आप तैयार हो जाइए, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा ओके। तो जिया जो होती है फिर अपने पापा के रूम से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ जान बोलो। तो रूही कहती है, जान 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 आई लव यू। तो जिया कहती है, क्यों? तो रूही कहती है कि जान मुझे पता ही नहीं था कि आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ तैयार कर लिया, मुझे लगा अभी पेंडिंग होगा और आपने तो सब कुछ तैयार कर लिया, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो जिया कहती है, तुम्हें पता है कल से मैं इसी चीज़ में मेहनत कर रही थी और तुम हो बार बार से मैं आके मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रही, प्यार नहीं कर रही, बात नहीं कर रही, ये फलाना आंटी मकड़ा कर जा रही थी, आप पता लगा कहाँ टाइम जा रहा था मेरा। तो रूही कहती है, अब पता चल गया ना कि मेरी जान ये प्रोजेक्ट बना रही थी ना, आई लव यू जान, मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें वहीं आगे गले लगा कैसे बोलूँ। तो जिया कहती है कि अरे यार इतना अच्छा मौका कैसे मिस कर सकती हूँ मैं, ओह शिट। तो रूही कहती है, जब भी लोगी ना तब दे दूंगी, टेंशन मत लो, मौका मिस कर दिया। तो जिया कहती है कि ओके एक काम करते हैं जल्दी से ऑफिस में मिलते हैं और उसके बाद तुम मुझे ये मौका मिस करने वाले हग्गी और किसी दे देना, ओके। तो रूही कहती है, हाँ ओके चलो अब जल्दी से तैयार हो जाना जान। तो जिया कहती है ओके। तो जिया जो होती है फिर नानी चल जाती है और रूही जो होती है वो भी ना तैयार वगैरह हो रही होती है। तो उसके बाद रूही जब अपने घर पे आती है ना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, तो रूही के पापा बोलते हैं कि बेटा तुमने सिद्धार्थ को देखा? सिद्धार्थ नहीं देखा मुझे कब से। तो रूही कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो उसके पापा बोलते हैं, वॉट? तो रूही कहते हैं, पापा मतलब मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा उसको, यहीं कहीं तो होगा। तो इतने में सिद्धार्थ जो होता है ना वो जी घर पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अंकल मैं ना जा रहा हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि मतलब? तो सिद्धार्थ कहते हैं, वो अंकल मेरा जो काम था ना वो काम हो गया तो मैं बस घर ही जा रहा हूँ मेरे। तो रूही के पापा बोलते हैं कि कुछ दिन और रुक जाते ना बेटा। तो सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं अंकल मैं जाना चाहता हूँ ना और मम्मी को भी कुछ काम है मुझसे। तो रूही के पापा बोलते हैं, ओके बेटा जैसा ठीक समझो। तो सिद्धार्थ जो होता है वो गुस्से से ना रूही की साइड देखता है और उसके बाद जी रूम में चला जाता है और वहाँ से ना अपना बैग लेके आ जाता है। तो रूही के पापा बोलते हैं, बेटा इतनी जल्दी पैकिंग भी कर ली? तो सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ एक्चुअली ये प्लान तो कल ही बन गया था ना, तो मैंने पैकिंग वगैरह कर ही रखी थी। सो तो सिद्धार्थ के मतलब फिर रूही के पापा बोलते हैं, ओके बेटा ठीक है बाय। तो सिद्धार्थ जो होता है वहाँ से चला जाता है और जो रूही होती है वो भी मतलब खुश होती है ना कि चलो शुक्र है ये यहाँ से चला तो गया, हम लोगों की ज़िंदगी में अब दखल तो नहीं देगा कम से कम। लेकिन उसे पता नहीं होता ना कि ये वो सिद्धार्थ वो इंसान है जो अब उस जिया की ज़िंदगी में ना थोड़ी सी तबाहियाँ लेके आएगा, उसे गुस्सा दिलाएगा और उसे मतलब ना परेशान करेगा। तो रूही अपना जो ब्रेकफास्ट होता है उसे फिनिश कर लेती है और कहती, पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ ना। तो उसके पापा बोलते हैं, पर बेटा अभी तो 9 बजे हैं, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तो रूही कहती है, अरे पापा मुझे बहुत ज़रूरी काम है ना इसलिए मैं जा रही हूँ। तो रूही की मम्मी जो होती है ना वो हंसने लग जाती है। तो रूही कहती, क्या? तो रूही की मम्मी बोलती है, हाँ हमें पता है ना क्या इंपॉर्टेंट काम है, तो जिया लेने आ रही है कि वहीं मिलेगी।
हो रही है या मम्मी ऐसा 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 कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, इसलिए जल्दी आ रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं मुझे। तो रूही के पापा बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारी जबान लड़खड़ा आ रही है ना बेटा, इसे समझ में आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है। तो रूही जो होती है फिर अपने पापा को ना कर लेती है और कहती पापा, तो उसके पापा बोलते हैं अरे जाओ जाओ बेटा, हमें क्या शिकायत होगी तुमसे, और अगर प्रेजेंटेशन देने जा रही हो तो वो अच्छी बात है, और जिया के पास जा रही हो तो भी अच्छी बात है, हमें तो किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रुई कहते पापा आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो रुई की मम्मी बोलती है कि बस पापा से लव यू, मुझसे लव यू नहीं है। तो रुई जो होती है फिर अपनी मम्मी को भी हक कर लेती, कहती मम्मी आपसे भी है। तो रुई कहती है कि अब मैं जाऊँ, तो उसके मम्मी पापा कहते हैं हाँ बेटा जाओ, वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो रुई जो होती है फिर फटाक से वहाँ से चली जाती है और जिया के पास कॉल करती है। तो जिया कहती है हाँ बस रास्ते में हूँ ना जान, आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जिया जो होती है वो रूही के पास आ जाती है ना। तो रूही कहती है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जिया कहती है हाँ गुड मॉर्निंग ठीक है, लेकिन गाड़ी में आगे करो, मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग दूसरे तरीके से करूँगी। तो रूही कहती नहीं नहीं ऑफिस में चल के अब भी नहीं है ना, गाड़ी में अच्छा नहीं लगता। तो जिया कहती है आओ तो सही। तो रूही होती है फिर बैठ जाती है। तो जिया कहती है अब किसी करते हैं ना फिर गुड मॉर्निंग होगी। तो रूही कहती है नो, थोड़ी लज्जा रख लो तुम। तो जिया कहती है वॉट। तो रूही कहती है मैं सीख के आई हूँ लज्जा। तो जिया कहती है यार ये हिंदी ऐसी इतनी ट्रिपिकल हिंदी मत बोला करो यार। तो रूही फिर हंसने लग जाती है, कहती है यहाँ से चलें, यहाँ पर किसी ने देख लिया ना तो पंगा पैर जाना है। तो जिया कहती है ओके। तो जिया जो होती है फिर वहाँ से गाड़ी निकाल लेती है और एक थोड़ी सी साइड में ले जाती है ना, मतलब लोकेशन जहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो रूही कहती है कि तो मतलब आप किस करोगी ही करोगी। तो जिया कहती है कि हाँ तो तुम्हें यह लगता है तो मैं छोड़ दूंगी मैं ऐसे। हो इम्पॉसिबल, कभी कभी तो मिलती हो तुम इतनी खूबसूरत बन के, तुम्हें कैसे छोड़ दूँ जाने मन। तो रुई कहती है कि डेली खूबसूरत नहीं लगती क्या बाबू, जो आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो जिया कहती है यार डेली खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज क्या ना मैं खुश भी हूँ तो बस मत पूछो तुम। तो रुई कहती है हाय। तो रुई होती है ना फिर जिया के पास जाती है और उसे ना लिप किस कर रही होती है। तो जिया कहती है ओए इतनी दूर से मत करो ना यार, तुम्हें गले लग के किस करते हैं, तुम्हारी कमर में हाथ डाल के तुम्हें अपने पास खींच के किस करना है ना। तो रुई कहती है मतलब। तो जिया जो होती है फिर रुई को ना अपनी गोद में ले लेती है और कहती है ऐसे ऐसे किसी करनी है ना जान। तो रुई कहती है ओहो क्या बात है, आज तो फुल रोमांटिक मूड में हो तुम। तो जिया कहती है हाँ अब मेरे पास एक ही तो गर्लफ्रेंड है, एक ही तो प्यार है, उसके साथ रोमांस नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी ना। तो रुई कहती है ओके ओके ओके। तो रुई होती है फिर जिया की ना सबसे पहले माथे पे किस करती है, फिर उसकी गाल पे और उसकी नोज़ पे, एंड उसके बाद जी उसके ना लिप्स पे टच करती है, एंड टच करने के बाद जी उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे ना किस कर रही होती है बड़े प्यार से। और जो जिया होती है वो जी रुई को ना हग कर लेती है, एंड उसे ना टाइटली वाला हग कर लेती है ना, अपने बिल्कुल करीब, बिल्कुल जस्ट नी सांसों के इतने करीब महसूस करती है ना। हाय क्या बात हूँ। तो 2 मिनट के बाद जी इन दोनों की किस फिनिश होती है। तो रुई कहती है यार मुझे ना कभी कभी समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हें पहली बार किस कर रही हूँ या इतनी बार किस कर रही हूँ, जब भी करती हूँ ना कसम से फर्स्ट टाइम वाला मज़ा आ जाता है। तो जिया कहती है यार तुम्हें नहीं मुझे भी, इनफैक्ट लगता ही नहीं है कि हमारा रिश्ता पुराना भी है, ऐसा लगता है जैसे आज पहली बार एक दूसरे को किस कर रहे हो ना। तो रूही कहती है पता है तुम हंसना मत मेरी इस बात पे, लेकिन एक सीक्रेट बताऊँ। तो जिया कहती है हाँ बताओ। तो रूही कहती है कि जब भी तुम्हारे साथ
एंड यू नो मैं नाइट भी स्पेंड करती ना, तो ऐसा लगता है जैसे तुम फर्स्ट टाइम मुझे टच करी, सब कुछ न्यू न्यू सा लगता है ना। तो जी हंसने लग जाती है और कहती है, आज ये बात है क्या, तुम कहो तो जान आज एक बार फिर से फर्स्ट नाइट मना लेते हैं। तो रोहित कहती नो, अब फर्स्ट नाइट हम मैरिज के बाद मनाएंगे, इससे पहले नहीं। तो जिया कहती यार अब उसके लिए तो पापा को मनाना पड़ेगा ना, मतलब पापा को बताना पड़ेगा ना, फिर मोहनत निकालने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, इतना वेट मैं तो कर नहीं सकती और आई एम श्योर तुम भी नहीं कर सकती हो ना। तो रूही कहती है नहीं मैं कर सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। तो जिया कहती है सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि खुद मेरे पास आओ कि जान आपके बिना मन नहीं लग रहा। तो रूही फंसने लग जाती है और कहती है हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, तुम ऐसे अपने मन से बना रही हो। तो जिया कहती है सोच लो, ठीक है आपसे हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, यहाँ तक कि किस भी नहीं करेंगे। तो रूही कहती है ए नो 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 नो। तो जिया कहती है यस 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 यस। तो रूही कहती नो यार ऐसे नहीं कर सकती ना तुम। तो जिया कहती है तुम भी तो ऐसे ही कर रही हो ना। तो रूही कहती है यार मैंने फर्स्ट नाइट मनाने से मतलब नाइट मनाने से मना किया है, किस करने से थोड़ी ना। तो जिया कहती यार तुम्हें किस में इतना मज़ा आता है, मुझे भी आता है लेकिन मुझे तो नाइट में ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्योंकि मैं तुम्हें कंप्लीट किस कर सकती हूँ। तो रूही हंसने लग जाती है और कहती है तुझे शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी, मतलब जितनी सही शर्म रख ले थोड़ी सी। तो जिया कहती है कि क्यों रखूँ, जो बंदी मेरी है, प्यार मेरा है, घरवाले मेरे हैं, सब तैयार हैं, मैं शर्म क्यों रखूँ। तो रूही हंसने लग जाती है और कहती है तोबा रे तोबा, क्या करूँ मैं तुम्हारा। तो जिया कहती है प्यार करो मुझे और क्या करोगी तुम मुझे। तो रूही कहती है तो प्यार की शुरुआत अभी कर देते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया कर ना गाल पे किस करती है और एक माथे पे और उसे लिप किस करने ही वाली होती है कि इतने में जी जिया का ना फ़ोन बज जाता है। तो जिया कहती है इसे तो साइलेंट करते हैं, तुम किस पे कॉन्सेंट्रेट करो ना। तो रूही जो होती है फिर ना किस करती है। तो इन दोनों के ना मतलब प्यारी प्यारी सी किस्सियाँ चल ही रही होती है कि जिया का फ़ोन है ना दोबारा से बच जाता है। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना थोड़ा सा कहती है एक मिनट रुको ना देखने दो किसका फ़ोन है। तो रूही कहती है क्या करोगी देख के, प्यार करने दो मुझे बस तुम्हें। तो जिया कहती है यार कंट्रोल करो कंट्रोल करो। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता। तो जिया कहती है दो मिनट देखने दो। तो जिया जो होती है फिर अपना फ़ोन देख ही रही होती है और जो रूही होती है वो जिया के ना गर्दन पे किस कर रही होती है। तो जिस वजह से जिया फ़ोन नहीं देख पाती, कहती भागो लो क्या तुम, अरे ऐसे मत करो जान बाइट्स मत करो। तो रूही कहती क्यों ना करूँ मेरी जान हो तो तुम्हें बाइट्स करूँगी करूँगी करूँगी, मेरा हक है मेरा हक है करूँगी। तो जिया कहती है अच्छा कर लो मेरी माँ कर लो। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना गर्दन पे एक किसिस कर रही होती है करके, और जिया जो होती है वो मतलब इंजॉय कर रही होती है, वो अपने फ़ोन को तो ना भूल ही जाती है। तो रूही जो होती है फिर उसके ना शर्ट के बटन ओपन कर रही होती है, धीरे धीरे उसकी बिस्ट के साइड आ रही होती है मतलब, और फिर वहाँ पे भी बाइट कर देती है। तो जिया कहती है ओ तो लड़की खा जाओगी क्या आज तुम मुझे। तो रूही कहती है खाने का इरादा है ना जान, लेकिन सोच रही हूँ कि नमक तो है ही नहीं और चॉकलेट भी नहीं है, बिना चॉकलेट और नमक के कैसे फ्लेवर आएगा तुम्हारा। तो जिया कहती कितनी गंदी हो ना तुम, मुझे खाओगी मुझे कैसे खा सकती हो तुम, जानवर हो क्या तुम। तो रूही कहती जानवर तुमसे प्यार हुआ है ना, इंसान तो रही नहीं हो, जानवर में कमी कोई तुमने छोड़ी नहीं है, अब तुम हट जाओ। तो जिया कहते ओह सनी देओल की बहन बस कर। तो रूही कहती किसका फ़ोन था। तो जिया कहती है फ़ोन ओ शिट तुम्हारे चक्कर में तो फ़ोन उठाना भूल गई। तो जिया जो होती है फिर दोबारा से फ़ोन मिला रही होती है और जो रूही होती है वो उसे परेशान करने के लिए दोबारा से उसके गर्दन पे किस कर रही होती है और बाइट्स कर रही होती है और उसके ना मतलब शोल्डर को खा रही होती है, कभी वहाँ पर ना बाइट्स कर रही होती है, मतलब जिया को तो ना पागल कर रखा होता है और जिया के हाथ कांप रहे होते हैं फ़ोन करते हुए। लेकिन फिर कहती है यार पापा का फ़ोन है,
प्लीज़ खुद को संभालो और मुझे भी संभालवाओ, मुझसे फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही। तो जी रूही कहती है कि मतलब सर का फ़ोन है? तो जी कहती है हाँ पापा को फ़ोन है जान, थोड़ा सा कंट्रोल करवाओ। तो रूही जो होती है फिर थोड़ा सा दूर हो जाती है, कहती है अच्छा अच्छा बात करो बात करो। तो जिया जो होती है फिर फ़ोन दोबारा से अपने पापा के पास मिलाती है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा तुम जल्दी से ऑफिस पहुँच जाओ, मैं भी पहुँच रहा हूँ। तो जिया कहती है क्या हुआ पापा? तो उसके पापा बोलते बेटा कुछ इंपॉर्टेंट है जल्दी पहुँचो। तो जिया कहती है ठीक है। तो जिया जो होती है फिर कहती है रूही हम बाद में करते हैं ना, एक्चुअली पापा ने ऑफिस बुलाया कुछ इंपॉर्टेंट है। तो रूही कहती है हाँ हाँ पहले ऑफिस चलते हैं ना। तो उसके बाद जी और रूही जो होते हैं ना वो ऑफिस पहुंच जाते हैं एंड गाड़ी पार्क करने के बाद जी जा रहे होते हैं। तो इतने में रूही का ना फ़ोन बज जाता है। तो रूही कहती है कि तुम चलो मैं 2 मिनट पे आई। तो जिया कहती है यार हम साथ में ही चलते हैं ना। तो रूही कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली दोस्त का फ़ोन है और इसमें पता नहीं टाइम लग जाए तो, और तुम्हें सर ने बुलाया है ना तो तुम एक बार जाओ मैं अभी आ रही हूँ। तो जिया कहती है ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो जिया जो होती है फिर जा रही होती है। तो अचानक से जी एक तेज़ गाड़ी ना वहाँ से आती है, तो वो जिया को टक्कर मारने वाली होती है कि जिया का ध्यान हो जाता है। तो वो ना थोड़ा सा मतलब वहाँ से ना जल्दी से निकल लेती है और कहती है बेवकूफ़ इंसान कौन हो तुम, आर यू मैड, अंदर गाड़ी इतनी तेज़ कौन चलाता है। लेकिन वो जो मेंबर होता है वो जी अपनी गाड़ी नहीं रोकता और वहाँ से ना सीधे धुड़ धुड़ करके बाहर ले जाता है। तो जिया को ये चीज़ समझ में नहीं आती तो वो फ़ौरन गार्ड के पास जाती है और कहती है कि अभी अंदर कौन आया था। तो गार्ड कहता है मैम मेरी ड्यूटी तो अभी चेंज हुई है मुझे नहीं पता। तो जिया कहती है अब से ध्यान रखना ऑफिस का ये मेन गेट क्लोज़ होना चाहिए, कोई भी ऐरा गहरा आकर के यहाँ पर गाड़ी चला करके चला जाता है, तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या, पापा ने लगता है ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है। तो वो मतलब वो वॉचमैन कहता है मैम आई एम रियली रियली सॉरी ना, ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी। तो जी कहती होनी भी नहीं चाहिए, आ रही है तुम्हारे समझ में। तो वो वॉचमैन जो होता है फिर नज़रें झुका के खड़ा होता है। तो जिया जो होती है फिर वहाँ से ना आ जाती है। तो रूही उससे कहती है कि क्या हुआ तू वहाँ क्या करने गई थी। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं चलो ना। तो रूही कहती है हाँ चलो। तो उसके बाद जी जिया और रूही जो होते हैं ना वो ऑफिस में पहुँच जाते हैं। तो रूही अपनी सीट पे है, जिया जो होती है वो अपने पापा के पास चले जाते हैं ना। तो जिया के जो पापा होते हैं वो जी जिया से कहते हैं कि जो तुम्हें प्रेजेंटेशन 2 दिन बाद देना था वो प्रेजेंटेशन आज ही देना है, क्या तुम तैयार हो। तो जिया कहती है यस डैड मैं बिल्कुल तैयार हूँ और इनफैक्ट मेरी सारी चीज़ें भी तैयार है ना, लेकिन सडनली 2 दिन बाद देने वाला आज कैसे। तो उसके पापा बोलते हैं पता नहीं मेरे पास बस कॉल आया था कि प्रेजेंटेशन आज देना है, सो दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें बता दिया ना, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। तो जिया कहती है हाँ मैं आपकी उम्मीद पर फिर ज़रूर खड़ा उतरूँगी ना। तो उसके पापा जो होते हैं फिर जिया को हक कर लेते हैं और कहते हैं जाओ बेटा। तो जिया जो होती है फिर अपने ना केबिन में आ जाती है और अपने सारे प्रेजेंटेशन वगैरह फाइल्स वगैरह उन सबको ना रेडी कर लेती है। बट उसका पहला प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा सा मतलब घबरा रही होती है कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, सो ना थोड़ा सा परेशान हो रही होती है। एंड तो जी उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के पास आती है ना। तो वो देखती है कि जिया जो है वो थोड़ी सी परेशान है ना। तो रूही उसे पीछे से जाके हक कर लेती है। तो जिया जो होती है वो पहले तो थोड़ी सी घबरा जाती है लेकिन उसके बाद कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों। तो जिया कहती है यार एक तो मेरा पहला प्रेजेंटेशन ऊपर से ऑफिस के भी बाहर है यार, घबराहट हो रही है। तो रूही कहती है मेरी जान को घबराने की जरूरत है और वैसे भी तुमने सबसे बेस्ट बनाया होगा ना तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो जिया कहती है यार परेशान बस थोड़ी घबरा रही हूँ ना यार, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। तो रूही जो होती है फिर जिया का फेस अपनी साइड करती है और उसके बाद जी उससे एक लिप किस करती है और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती जान यू आर द बेस्ट, ठीक है घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है घबराने के लिए ठीक है, और वैसे भी तुम तो जानती हो ना कोई तुम्हारे आगे टिक ही नहीं सकता।
तो जिया जो होती है फिर रूही की ना हमें हाँ मिल जाती है और उसे ना गले लगा लेती है और कहती है अपनी जान तो हर किसी को बेस्ट ही लगती है। तो रूही होती है फिर पीछे होती है और कहती है कि ओ हेलो, तुम मेरी जान हो, इस वजह से नहीं बल्कि मैं जानती हूँ कि सच में यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो जिया कहती है अब तुम मुझे बस तुम्हें हक कर ले दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है और मेरी हिम्मत भी बढ़ जाएगी। तो रूही कहती है ओ हेलो, इति शिवान, जितना जी करे उतना हक कर लो। तो जिया और रूही जो होते हैं ना फिर एक दूसरे को हक करके ऐसे ही खड़े होते हैं। तो इतने में जिया के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। तो जिया जो होती है फिर फ़ोन देखती है और कहती है मीटिंग का टाइम 2:30 बजे का। तो रूही कहती है कि 2:30 बजे का, स्ट्रेंज हाँ, वैसे ये मीटिंग तो 1:30-2 बजे तक लास्ट है, फिनिश भी हो जाती है और इस बार टाइम 2:30 बजे का, समझ ही नहीं आया। खैर जो भी है ठीक है। तो रूही और जिया जो होते हैं ना वो ऐसे ही दूसरे को हक करके खड़े हुए होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद रूही कहती है अब जाऊं जान। तो जिया कहती है मत जाओ ना यार, तुम्हारा पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो रूही कहती है जाने दो ना यार, तुम्हें काम नहीं करना क्या? तो जिया कहती कुछ काम नहीं करना, तुम बस ऐसे ही रहो। तो रूही कहती हाँ इतना ही है ना, तो शादी कर लो ना मुझसे, शादी क्यों नहीं कर लेती? तो जिया कहती है शादी, मैंने कब मना करा, नहीं करूँगी, मैंने कहा ना हम दोनों ज़रूर शादी करेंगे, तो करेंगे। तो रूही कहती है करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे बताओ तो सही मुझे, कब करेंगे हम शादी? तो जिया कहती है कि बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्दी शादी करेंगे ना, उस चीज़ की तो तुम फिक्र मत करो ना। तो जिया के वो रूही कहती है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे कहो मेरी मजबूरी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो जिया हंसने लग जाती है और कहती है ये सारे बहाने हैं ना और लोगों के होंगे, ठीक है, मैं प्यार में कमिट कर दिया ना एक बार तो बस कर दिया। तो रूही फिर स्माइल करती है और कहती है तुम पे ना मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है। तो जिया कहती है कि वैसे मैं करूँ ना करूँ कहीं तुम मत कह देना, मेरी मजबूरी है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे या प्रॉब्लम है। तो रूही कहती है कैसे नहीं मानेंगे, मम्मी पापा तो मानूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में, फिर क्या होगा? तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ ये बात तो है ना यार, तुम्हारी तो ना हो ही नहीं सकती, मेरे पापा को बताना बाकी रह रहा है ना, मेरी तरफ से ना हो सकती है। तो रूही होती है फिर जिया का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है क्या बोला तुमने? तो जिया कहती है जानू मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी, इतने टाइट कपड़े हैं खराब मत करो, अभी तो मीटिंग में जाना है, मीटिंग में हो के आ जाओ ना, फिर तो चाहे उतार भी देना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो रूही कहती बस बस बेशरम लड़की जाओ अब जाओ। तो जिया कहती है कहाँ जाऊँ बाबू, अभी तो 1:30 बजे हैं, अभी तो 1 घंटा बाकी है। तो रूही कहती है कि जाने में टाइम नहीं लगता और ये नहीं कि टाइम से पहले पहुँच जाओ, अभी 1 घंटा बाकी है जाओ। तो जिया कहती पक्का जाऊँ? तो रूही कहती है हाँ जानू जाओ जाओ जाओ, गो फास्ट। तो जिया जो होती है फिर अपनी फाइल वगैरह ले लेती है और कहती है जा रही हूँ। तो रूही कहती सुनो। तो जिया कहती क्या? तो रूही जो होती है फिर जिया के पास आती है और ना उसे एक लिप्स पे किस देती है, ऑल द बेस्ट। तो जिया कहती है यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। तो उसके बाद जिया जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और रूही भी होती है वो अपना काम करने लग जाती है ना। तो जिया जब वहाँ पे जाती है तो तकरीबन उसे 2 बज जाते हैं ना। तो थोड़ी देर के लिए तो वो बाहर जहाँ पे मतलब गेस्ट वगैरह के लिए वेटिंग रूम होते हैं ना वहाँ पे होती है और अपने सारी प्रेजेंटेशन वगैरह चेक कर रही होती है, देख रही होती है। फिर जी उसके बाद वो अपनी फाइल्स को वहाँ रख के कोई मेंबर होता है ना उससे बात कर रही होती है। एंड थोड़ी देर के बाद जी जिया के पास उसके ना पापा का कॉल आता है। तो जिया कहती है यस डैड। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुमने अभी तक अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दी, अपनी फाइल सबमिट नहीं कराई। तो जिया कहती है पर पापा मीटिंग का टाइम तो 2:30 बजे का है ना। तो उसके पापा बोलते हैं व्हाट आर यू मैड, 1:30 बजे स्टार्ट होने वाली थी मीटिंग। तो जिया कहती है पापा पर मेरे पास जो मैसेज आया था उसमें तो 2:30 बजे का लिखा हुआ है। तो उसके पापा बोलते पागल हो के तुम? तो
तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ये चीज़ कैसे बोल सकती हो कि ये मीटिंग 1:30 बजे स्टार्ट होती है? तो जिया कहती है, पापा मुझे मालूम था ये मीटिंग 1:30 बजे स्टार्ट होगी, बट मेरे पास मैसेज आया कि ये मीटिंग 2:30 बजे स्टार्ट होगी। तो उसके पापा बोलते, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके ये फाइल सबमिट कराओ तुम। तो जिया कहती है, हाँ पापा मैं करवाती हूँ ना, आप रुकिए मैं देखती हूँ। तो जिया जो होती है फिर फ़ोन कट कर देती है। और उसके बाद जी वहाँ पे जो मैनेजमेंट वाला मतलब जिनका टेंडर होता है उनसे मिलने जाती है। तो वो बताते हैं कि मैम जो मीटिंग है वो तो 1:30 बजे स्टार्ट हो भी चुकी है, लेकिन आपने अभी तक अपनी फाइल वगैरह सबमिट नहीं कराई, कोटेशन वगैरह नहीं डाला। तो जिया कहती, बट मेरे पास जो मैसेज आया था ये देखिए ना, 2:30 बजे का मैसेज आया हुआ है। तो मेंबर कहता है, मैम ये मैसेज हमारी कंपनी ने तो नहीं किया, आई थिंक किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है और वो चाहता था कि ये प्रोजेक्ट आपको ना मिले। तो जिया जो होती है वो परेशान हो जाती है और कहती है, फाइल 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 कहाँ गई? तो जिया जो होती है फिर दोबारा से गेस्ट रूम की साइड जाती है और देखती है कि वहाँ पर उसकी फाइल भी नहीं है। तो जिया का तो ना दिमाग ख़राब हो जाता है, वो सोचती है कि यार फाइल यहाँ पर नहीं है, टाइम यहाँ पर नहीं है, किसने किया ये सब? तो जी ऐसे ना परेशान हो रही होती है और ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होती है ना, क्योंकि 2:30 भी बज जाते हैं, 2:30 के पौने 3 हो जाते हैं, लेकिन उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जी जिया जैसे ही उस रूम से बाहर आ रही होती है तो अचानक से जी गेट खुलता है एंड वहाँ से एक सूट बूट पहने हुए एक लड़का बाहर आता है, मतलब लड़का तैर आता है। तो वो लड़का और कोई नहीं होता जी, सिद्धार्थ होता है। तो सिद्धार्थ जो होता है फिर जिया के पास जाता है और कहता है, कैसा लगा? तो जिया कहती, मतलब? तो सिद्धार्थ कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के पीछे काफ़ी टाइम से लगी हुई थी ना, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया। तो जिया जो होती है ना फिर सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, क्या मतलब? तो सिद्धार्थ कहता है कि जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया ना, तो उन्होंने हाँ कर दिया मुझे ये टेंडर देने के लिए, थैंक्स टू यू। तुम लेट हुई, ऊपर से तुमने तुम्हारी फाइल भी जोड़ दी, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट मुझे मिला, थैंक यू जिया मेहरा, थैंक यू सो मच। तो जिया जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब कुछ करने की? तो सिद्धार्थ कहता है, क्यों तुम्हारी भी तो हिम्मत हुई ना मेरा प्यार ठुकराने की, कितना प्यार करता था मैं तुमसे, तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया। हाँ अब देखो अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और ऐसा बोलने के बाद जी सिद्धार्थ जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद जी दोबारा पीछे मुड़ता है और कहता है कि वैसे अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट है तो तुम्हारे प्रॉफिट के लिए एक चीज़ बता दूँ कि तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें अप्रोच कर सकता हूँ। तो जिया जो होती है वो गुस्से से सिद्धार्थ की साइड देखती है, लेकिन उसके बाद जी गुस्सा शांत करती है और उसके ना थोड़ा सा आगे जाके कहती है कि मुझे अप्रोच तुम करोगे? हाँ काफ़ी अच्छा मज़ा आ गया, लेकिन तुम्हें बता दूँ मुझे अप्रोच कर सको अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है ना, या तो पहले अपनी औकात को बढ़ाओ या फिर सपने देखना ना छोड़ दो सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, मेरी औकात नहीं है? तो जिया कहती है, हाँ क्योंकि जिया मेहरा को अप्रोच कर सको इतनी औकात तुम्हारी आज तक नहीं हुई ना, और जो ये तुम कह रहे हो ना टेंडर तुम्हें मिला है, तो अगर मिली ही क्या है ना, तो इसे संभाल के रखना सिद्धार्थ, संभाल के, क्योंकि इतनी तुम में काबिलियत नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सको, ठीक है ना? हाँ ना, तो ये सिर्फ मुझे पास ही है, बस ये देखती हूँ कब तक खेलोगे, पर ज़्यादा देर मत खेलना ना, एक्चुअली मुझे मेरे खिलौने किसी को देना ज़्यादा पसंद नहीं है ना, अगर ज़्यादा तरजीह दिए ना या तो खिलौना ख़त्म कर देती हूँ या उस इंसान को। तो तुम समझ गए इशारा, खैर बेस्ट ऑफ लक, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है और जो सिद्धार्थ होता है वो गुस्से में होता है ना, लेकिन फिर वो भी अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और कहता है कि जिया मेरा जा, तुम्हारी इन जागती आँखों में ना ख्याल बन के आऊँगा, भीड़ में तन्हाई से तुम्हारे कुछ यूँ लिपट जाऊँगा।
तुम्हारी इन धड़कनों में मेरे पैरों की आहट होगी, तुम्हारी खुशी में सिर्फ मेरी चाहत होगी। एक बार मैं तुम्हें पा ही लूँगा, देख लेना, जितना गुरूर है ना सब तोड़ दूँगा। और जो तुम कह के गई हो ना ये प्रोजेक्ट, अब तो मैं ही से ख़त्म करूँगा ना, मैं भी देखता हूँ कैसे मिलता है। तो जल होती है फिर अपने ऑफिस के लिए ना निकल जाती है, बट उसका मूड काफ़ी तेज ख़राब होता है ना, तो वो गाड़ी बहुत तेज़ चला रही होती है। और जो रूही होती है वो जी काफ़ी खुश होती है ना जिया के लिए कि हाँ ये प्रोजेक्ट तो जिया को ही मिलेगा। तो रूही होती है उसे बस वेट नहीं हो रहा होता वो जिया को देखने के लिए ना, बस उत्सुक होती है कि बस अभी जी आ जाए, मैं जिया को देख लूँ, जी जल्दी से आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद जिया जो होती है वो ऑफिस पहुंच जाती है, बट उसका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा होता, लेकिन वो जैसे तैसे करके ना ऑफिस पहुंच जाती है। और जैसे ही एंट्री लेती है तो रूही देखती है कि जी आ गई, लेकिन उसके फेस की सेट देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि जिया काफ़ी गुस्से में होती है। और वो सीधे ही अपने ना रूम में चली जाती है, मीन्स कि कैबिन में चली जाती है। तो रूही को कुछ समझ नहीं आता कि अच्छी खासी गई थी, इतना गुस्से में है, ये हुआ क्या या आखिर। तो थोड़ी देर के बाद जो जी होते हैं वो उसके पापा जी जिया के रूम में जाते हैं। तो जिया के पापा, तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुम इतनी बड़ी गलती ऐसे कर सकती हो। तो जिया के पापा, बस मत पूछिए आप क्या हुआ है, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती, फ़िलहाल मैं लोन रहना चाहती हूँ, प्लीज़। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा ये प्रोजेक्ट, ये ऑफिस है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ नहीं है, थोड़ा सा सीरियस ले जाओ। तो जिया कहते पापा सीरियस ही तो हूँ, आपने प्रेजेंटेशन नहीं देखा था, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन था वो, अगर सीरियस नहीं होती तो तैयार क्यों करती, आपने मुझसे कहा था आज की मीटिंग है बिना किसी बहाने की, बिना कुछ कहे आ जाई ना, एक मिनट के लिए भी रुकी क्या, जिस टाइम आपने कहा उसके 15 मिनट के अंदर अंदर ऑफिस आई हूँ मैं, यहाँ तक कि सारी चीज़ें तैयार कर रखी थी, सारी चीज़ बिल्कुल ऑलरेडी, बट किस्मत ख़राब हो तो क्या कर सकती हूँ, आपने एक पल में कह दिया, लेकिन मैं मुझ पर सोचा, इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, इतने टाइम से सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ, बट नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा है। तो जिया के पापा जो होते हैं फिर जिया के पास जाते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं ना, तो जिया जी उनका हाथ हटा देती है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हें बता रहा हूँ मुझे इस प्रोजेक्ट से कोई खास उम्मीदें नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, इनफैक्ट अगर तुम नहीं होती तो मैं इस प्रोजेक्ट को बढ़ता ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए था, सिर्फ तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए बनवाया गया था, अगर ये नहीं भी मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है जिया, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो रही हो। तो जिया जो होती है फिर अपने पापा की साइड देखती है, तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद इस प्रोजेक्ट को कभी बढ़ता ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं बेटा, हमारे पास जो काम है वो खुद इतना ज़्यादा है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो जिया जो होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और कहती है कि मतलब, तो उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं तो तुम्हें काम सिखाने वाला था ना, मैं तो ये चाहता था ताकि तुम प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करो, तुम सीखो, तुम खुद के बलबूते पे कुछ बनो, पता है तुम्हें अगर विरासत में कोई चीज़ मिलती है ना तो उसकी कदर नहीं होती, इसलिए चाहता था कि ये सब कुछ तुम्हें विरासत में मिल तो रहा है पर तुमको एक बार मेहनत तो करो, तुम खुद भी तो जानो कि इन सब चीज़ों को कैसे कमाया जाता है, सिर्फ इस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिला तो। तो जी अगर पर पापा मेरे को तो फ़र्क पड़ता है ना, मेरा तो फर्स्ट प्रोजेक्ट था। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा पर तुम मुझे बताओ तो सही ऐसा क्या हुआ है। तो जिया कहती है कि पापा कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से बस ठीक है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा सुनो, अगर पर्सनल लाइफ वाले प्रोफेशनल लाइफ में आने लग जाए ना तो उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों से बाहर निकाल देना चाहिए, और रही बात इस प्रेजेंटेशन की तो तुम उस चीज़ की फिक्र मत करो ना, मैं उस कंपनी के ओनर से बात करूँगा, और ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें ही मिलेगा ना चाहे जो हो जाए। तो जिया कहती पापा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, जब आपने कहा ना कि ये मुझे खुद को करना है तो मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगी, मुझे जैसे भी करना होगा मैं खुद हैंडल कर लूँगी ना। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है जैसा तुम ठीक समझो, तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बीच में नहीं आना है ना। तो जिया कहती हाँ आपको नहीं आना ना, मैं खुद देख लूँगी।
तो उसके बाद जिया के जो पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और जिया जो होती है ना अपना काम कर रही होती है, तो रुई जो होती है वो इस बात से अपसेट होती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जिया का मूड ख़राब है। लेकिन उसके पास कुछ ज़्यादा वर्कलोड होता है जिसकी वजह से वो जिया के पास नहीं जाती। सो इवनिंग में जी जिया और रुई जो होते हैं वो सेम टाइम पर ऑफिस से निकलते हैं, तो जिया जो होती है वो रुई से ना नज़रें नहीं मिला पा रही होती। तो रुई कहती है कि क्या हुआ है मुझे तो बताओ। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं हुआ है यार, क्या होगा। तो रुई कहती नहीं कोई तो बात है, जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। तो जिया कहती कोई बात नहीं है। तो रुई कहती बताओ। तो जिया जो होती है फिर सारी बातें जो है ना वो रुई को बता देती है कि कैसे उसके पास गलत मैसेज आया, वो फाइल सारी चीज़ें ना। तो रुई जो होती है वो परेशान हो जाती है, कहती है कि यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था सिद्धार्थ ऐसा करेगा, आई एम सॉरी। तो जिया कहती तुम्हारी गलती नहीं है ना, अब जिनकी फितरत में ही गद्दारी लिखी हो ना तो उनका कुछ नहीं हो सकता। खैर तुम परेशान मत हो ना, मैंने तुम्हारे साथ देखो मैं परेशान हूँ बट मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, परेशान नहीं हो ओके। तो तुम भी परेशान मत हो मेरी जान, तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है, इतनी परेशानी नहीं। तो रुई कहती है अगर तुम साथ हो ना तो मैं स्माइल ही करूँगी जान। तो जिया कहती है हाँ, और अगर तुम स्माइल करोगी ना जान तो मेरे पास कोई परेशानी नहीं आएगी, चलें घर। तो रुई कहती है हाँ घर चलते हैं बट आइसक्रीम खाने चले पहले। तो जिया कहती है जैसे ही जान की मर्ज़ी, हम पहले आइसक्रीम खाने चलेंगे। तो उसके बाद जिया और रुई जो होते हैं ना वो आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जिया जो है वो रोड के दूसरी साइड गाड़ी को पार्क कर देती है ना क्योंकि पार्किंग वहाँ होती है। तो रुई कहती है हे भगवान तुम फिर से इसी रोड पर ले आई। तो रुई कहती है वो जिया कहती क्यों। तो रुई कहती यार यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं ना और तुम्हें क्या जोरदार थी, अब क्रॉस करना पड़ेगा रोड। तो जिया कहती है अरे मेरा हाथ पकड़ के क्रॉस करो, ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी ना उड़ा दूँ मैं। तो रुई हंसने लग जाती है और कहती है अरे बस बस तुम और ये तुम्हारी फालतू की बातें। तो रुई और जिया जो होते हैं ना वो जैसे तैसे रोड क्रॉस कर लेते हैं और फिर आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं, और वहाँ पर जी आइसक्रीम वगैरह खा रहे होते हैं ना। तो आइसक्रीम खाने के बाद ये दोनों जी बाहर आ जाते हैं, तो बाहर कुछ गुंडे होते हैं, तो वो जी रुई को देख के ना और जिया को देख के कुछ कमेंट करते हैं। तो ये चीज़ जिया से ना सहन नहीं होती। तो जिया जो होती है फिर गुंडों के पास जाती है, कहती है कि क्या बदतमीजी लगा रखी है तुम लोगों ने ये। तो वो गुंडे कहते हैं कि अरे बदतमीजी कहाँ लगा रखी है, प्यार का इजहार कर रहे हैं। तो जिया कहती है कि तुम लोग में अक्ल नहीं है कि तुम्हारे घर में बाप बहन नहीं है क्या, जिस तरीके से बातें कर रहे हो। तो वो गुंडे कहते हैं नहीं माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है और बीवी भी नहीं है, तुम बन जाओ ना। तो जिया जो होती है फिर गुस्से से उस गुंडे को ना एक थप्पड़ मार देती है। तो वो गुंडा जो होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुझे तो हम अभी बताते ना। तो जी गुंडे और जिया की जो होती है ना वो थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, तो इस हाथापाई के चक्कर में ना वो गुंडे जो होते हैं वो रूही को भी पकड़ लेते हैं, और जिया जो होती है वो उनसे फाइट कर रही होती है। तो उसमें से एक गुंडा जो होता है वो रूही को ना धक्का दे देता है, जिसकी वजह से रूही जो होती है वो दीवार में जाके गिर जाती है और उसके माथे से खून निकलने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है ना। तो जिया को ना ये चीज़ बिल्कुल सहन नहीं होती। तो उसके बाद तो जिया के अंदर मानो भाई साहब भूत आ जाता है ना, ऐसा उठा उठा के कभी फाइट करती है गुंडों के साथ, मतलब उन्हें मुक्का मारना, लात मारना, थप्पड़ और मार मार के ना उनका कीमा बना देती है। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो जैसे तैसे लड़ाई को रोकते हैं ना। तो जिया कहती है कि तुम लोग में अक्ल नहीं है क्या, मतलब एक लड़की होकर के मैं लोगों से लड़ रही हूँ, लेकिन तुम लोग लड़की होकर के इतनी सारी भीड़ लगा रख करके सिर्फ फाइट्स को देख रहे हो, हाँ कोई एक्शन नहीं। तुम जैसे लोगों का तो होना ही बेकार है, तुम जैसे तुम लोग नहीं हो, तुम तो हिचड़े हो, तुम तो डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। तो रुई जिया जो होती है ना फिर रुई के पास जाती है, कहती है जान उठो रुई रुई, लेकिन रुई जो होती है वह नहीं उठती। तो जिया जो होती है फिर कहती है कि अगर थोड़ी सी इंसानियत बाकी रह गई हो तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो कोई। तो एक मेंबर जो होता है वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, और उसके बाद जिया जो होती है वो रुई को लेकर के ना हॉस्पिटल चली जाती है। तो डॉक्टर जो होता है वो रुई का ना इलाज कर रहा होता है, और जिया जो होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है ना बाहर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कहीं जी
रूई को ज़्यादा लग तो नहीं गई, कहीं उसे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, पेन तो नहीं होगा, कोई इंजरी तो नहीं आ गई, सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जिया ये सब कुछ सोच सोच के ना परेशान हो रही होती है। तो जिया के जो पापा हैं वो जिया के पास कॉल करते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा कहाँ हूँ? तो जिया कहते पापा मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं बाद में बात करूँगी आपसे। तो जिया के पापा जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और जल्दी से ना जिया की लोकेशन का पता लगा के उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जिया जो है वो बाहर बैठी है। तो उनके ना सांस में सांस आती है कि शुक्र है इसे तो कुछ नहीं हुआ ना। तो वो जिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि जिया क्या हुआ? तो जिया कहते हैं पापा आप यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था ना कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए? तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा वो छोड़ो, तुम यहाँ क्यों कर रही हो और अंदर कौन है? तो जिया कहते हैं पापा रूही है ना, उसका मतलब कुछ गुंडों से हाथापाई हो गई थी, उसके हाथ उसके माथे में लग गए पापा। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है तो उसके मम्मी पापा को फ़ोन कर दो ना, तुम यहाँ पे क्यों परेशान हो रही हो? तो जिया कहते पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, दोस्त है वो मेरी। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स को कॉल करना भी तो ज़रूरी है ना, आखिर उनकी बच्ची है बेटा, तुमने कॉल किया? तो जिया कहते पापा उनके पेरेंट्स ने मुझ पर जिम्मेदारी दे रखी है ना, अगर मैं उन्हें नहीं भी बताऊँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं तुम समझ ही नहीं रही हो, वो उसके पेरेंट्स हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, वो तुम उन्हें कॉल करके अभी बताओ। तो जिया कहती पापा मैं मानती हूँ कि उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, मैं बता दूँगी, पर अभी बताना ज़रूरी नहीं है, पहले मुझे रूही की कंडीशन तो पता लग जाए। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम हुलकती कौन हो उसकी जो तुम इतनी सोच रही हो, हाँ जब मैं तुमसे कह रहा हूँ उसके पेरेंट्स को बताओ। तो जिया जो होती है फिर गुस्से में खड़ी होती है और कहता है कि पापा ज़िंदगी है वो मेरी, जान है वो मेरी, प्यार करती हूँ उससे, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे, धड़कन है वो मेरी, जीने की वजह है, आपकी बेटी को जो चेंज आया है ना वो सिर्फ उसकी वजह से आया है, मेरी ज़िंदगी की रोशनी है वो, जान लिया कौन सा रिश्ता है मेरा उससे, आप प्लीज़ आप चुप हो जाइए, मैं अपने आप बता दूँगी उसके पेरेंट्स को। तो जिया के जो पापा होते हैं वो एकदम शॉक खड़े होते हैं ना कि ये जिया ने क्या कह दिया। सो गाइस अभी वीडियो को ना यहीं रोकते हैं और हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या जिया के पापा इन दोनों का प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर अभी और ड्रामे होने बाकी रह देना। सो वो सब कुछ तो नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, और नेक्स्ट एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा कि क्या जिया जो है वो खुद अपने बलबूते पे वो टेंडर वापस ले लेती है या फिर सितार जो है इस बार भी कोई चालबाजी करेगा। और इसके अलावा जी एक छोटा सा सस्पेंस हो रहा है वो भी देखते हैं कि क्या होगा। तो सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा, थ्रिल धमाका और मस्ती। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और सुनो सुनो, आप में से किसी ने कहा था ना कि मैं कोई वीडियो नहीं डालती हूँ, मतलब मेरी इंस्टा आईडी पे ना कोई स्टेटस ना कोई फ़ोटो, तो उनके लिए कहना चाहूँगी कि न जाने कौन सा दर्द है सीने में, मुझे मज़ा ही नहीं आता जीने में बस इसी वजह से, ठीक है? और गाइस वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि स्टोरी की ये पार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं ना। ओके टाटा।